फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल रियल देसी ट्रेडर्स। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल पर मैं बात करता हूँ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और किस तरीके से मैं टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस करके स्टॉक्स सिलेक्शन करता हूँ अपने स्विंग ट्रेडिंग के लिए, प्लस इंट्राडे पे मैं किस तरीके से बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ। तो फ्रेंड्स, जो भी व्यूअर्स मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल की वीडियोज़ को देखें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो भी मेरी वीडियोस हैं, जैसे स्कैल्पिंग के तरीके के ऊपर जो मैं वीडियोस बनाता हूँ, उन सब वीडियोस को देख सकते हैं और उनसे वो मेरी ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी वगैरह और भी जो मैंने पहले वीडियोस चढ़ाई है वो देख के सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूँगा एक ऐसे फुल प्रूफ बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की, जो कि एक 99% जो कि स्ट्रेटजी वर्क करती है। और उस तरीके की स्ट्रेटजी को आप यूज़ करके बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको लेके चलता हूँ बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन के ऊपर। NSE ऑप्शन चेन आप ओपन कर सकते हैं, जो कि आपको लाइव मार्केट में ऑप्शन चेन इक्विटी डेरिवेटिव्स में जाके ओपन होते हैं। और जैसे फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी 21,966 के ऊपर क्लोज हुआ था, तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊँगा कि ऑप्शन चेन से के थ्रू और प्लस टेक्निकल एनालिसिस करके आप किस तरीके से बैंक निफ्टी में ऑप्शन बाइंग करके बहुत ही अच्छे तरीके से आप बिल्कुल सिंपल वे में पैसे अर्न कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये 21,966 के ऊपर क्लोजिंग हुई थी और ये 22,000 का जो है अपना स्ट्राइक प्राइस, इस 22,000 के स्ट्राइक प्राइस पे आपको 5 लाख का ओपन इंटरेस्ट प्लस चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो यहाँ पे हमारे को देखने को मिल रहा है वो 1,94,660 का है। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ दिखा रही है कि बहुत ही ज़्यादा 22,000 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जो अपना ओपन इंटरेस्ट है वो अच्छा खासा है, प्लस चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी जो है वो 1,94,660 का। मतलब बहुत से लोगों ने जो है अपनी पोजीशन यहाँ पर चेंज की है, जो कि पहले से बेरिश रहे होंगे वो उन्होंने अपनी बुलिश पोजीशंस में कन्वर्ट किया और वो अब बुलिश हो चुके हैं इस मार्केट को लेके। तो फ्रेंड्स, इससे पहले 22,000 से नीचे की अगर हम इन द मनी, फ्रेंड्स आई होप आप लोगों के, मुझे लगता है कि शायद इन द मनी आउट ऑफ द मनी का कंसेप्ट पता ही होगा। तो फ्रेंड्स, जैसे अपना ये 22,000 के नीचे भी बैंक निफ्टी फ्यूचर अपना ट्रेड कर रहा है, तो जो ये ऊपर के जितने भी स्ट्राइक प्राइस हैं 22,000, 22,100, 22, ये जितनी भी जो ये वाइट में जो भी ये स्ट्राइक प्राइस दिख रही हैं, ये फ्रेंड्स ये वाइट में जो भी आपको दिख रहे हैं, ये सारी की सारी जो होती हैं ये होते हैं OTM, इनको हम OTM कहते हैं, आउट ऑफ द मनी। और ये जो अंदर की स्ट्राइक प्राइस जितनी आपको दिख रही है ये होती हैं ITM, इन द मनी स्ट्राइक प्राइस। तो फ्रेंड्स, एज ए ऑप्शन बायर ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि OTM और इन द मनी क्या होती हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ऑप्शन बायर्स जो होते हैं उनको OTM में ट्रेड करते हुए और इन द मनी में ट्रेड करते हुए अपने कैपिटल का ध्यान देना होता है, क्योंकि इन द मनी में जो होता है वो प्रीमियम जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। आपको मैं दिखाऊँगा, जैसे इन द मनी जो है इनके आप स्ट्राइक प्राइस पर आप प्राइस देखिए, जैसे 21,600 पे आप देखिए 610 का ये प्राइस है यहाँ पे, ये देखो फ्रेंड्स 610 का। और आप जितना आउट ऑफ द मनी जाएंगे 22,500, उतना उतना प्राइस जो है स्ट्राइक का ये देखिए, ये फ्रेंड्स जैसे 23,000 पे गए 90 रुपीज़, 154, 179, 205, तो फ्रेंड्स ये कम होता जाता है, जबकि इन द मनी में जो रहता है अपना वो प्राइस जो होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये देखेंगे जैसे 21,500 पे आप जाएंगे तो 757 का आपको प्राइस देखने को मिलेगा जो, और 21,400 पे। तो फ्रेंड्स, अब बात ये आती है कि आपको करना क्या है कि जब आप देखेंगे कि आपकी क्लोजिंग जो हुई थी जैसे 22,000 के अराउंड हुई थी और 22,000 पे आपको दिख रहा है कि कितनी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा है, और अगर हम 22,000 से नीचे जाएं तो फ्रेंड्स यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है वो काफ़ी कम हो रहा है। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा फ्रेंड्स, ये जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है 41,000, ये सब जो है ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ये पूरा आप देखिए फ्रेंड्स चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो लोग भी पहले से राइटिंग कर रहे थे, जो कि ये सोच रहे थे कि बैंक निफ्टी जो 22,000 से नीचे रहेगा, उन लोगों ने अब अपनी पोजीशंस चेंज कर ली हैं और अब उन लोगों ने अपनी पोजीशन जो है वो स्क्वेयर ऑफ कर दी है, जिसकी वजह से कि
उनकी स्क्वेयर ऑफ करने की वजह से हमारे को एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिली थी। तो फ्रेंड्स उस वजह से आगे जो है वो मार्केट में हमारे को बुलिशनेस दिख रहे। तो फ्रेंड्स जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि ओवरऑल सेंटिमेंट जो है वो मार्केट का वो बुलिश है, तो आप जो है आउट ऑफ द मनी, अगर आपके पास पैसे की प्रॉब्लम है और अगर आप ऐसा है कि आपके पास कम कैपिटल है, तो आप अगर आपको पूरा कंफर्म है कि हाँ बुलिश व्यू है और मार्केट जो है वो हमारे को लगता है कि अपसाइड मूवमेंट देगा, तो वैसे में आप आउट ऑफ द मनी की भी स्ट्राइक्स जो है वो ले सकते हैं। पर मैं ये प्रेफर करूँगा कि आप ज़्यादा आउट ऑफ द मनी ना ही जाएँ तो बेटर है, क्योंकि फ्रेंड्स राइटिंग होती है तो वैसे में आपको नुकसान भी हो सकता है। बट जो भी मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास कि ऑप्शन बाइंग में भी थोड़ा बहुत पैसा है, लेट्स से आप इतना तो मार्जिन रखते ही होंगे कि जैसे अगर हम 21,800 के स्ट्राइक को देखें तो ये इसका प्राइस जो चल रहा है आसपास 545 का चल रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आप 545 को, अगर आप 21,800 को भी लेते हैं तब भी अगर आप देखें तो 545 इंटू 20 का अपना बैंक निफ्टी का लोट हो गया, तो अराउंड आपको 11,000 के अप्रोक्सीमेट आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपका ब्रोकर ऐसा है जो कि आपको कोई मार्जिन नहीं देता, तो सिर्फ़ और सिर्फ 11,000 रुपये में भी आप बाइंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वैसे में आपको प्रॉफिट देखे, प्रॉफिट कितना अच्छा होगा, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है नेक्स्ट डे मंडे के दिन अच्छी खासी अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है, तो जो ये आपका 545 है बहुत प्रोबेबिलिटी है कि अगर 100 से 200 पॉइंट्स भी बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है तो ये आपका 700-800 का बन जाएगा। और वैसे में जो है आपको बहुत ही अच्छा एक लोट के ऊपर भी आपको जो है 200 पॉइंट्स का अगर प्रॉफिट मिल जाता है, तो फ्रेंड्स आप ये देखिए आपका 20 का लोट था और अगर 20 के लोट पे आपको 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल गया तो 20 इंटू ये देखिए फ्रेंड्स आपको 4000 का प्रॉफिट हो जाएगा। फ्रेंड्स 4000 का प्रॉफिट आपको सिर्फ और सिर्फ एक लोट में हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपको अपनी पोजीशंस लेनी होती है। और अब मैं आपको यहाँ पे ये दिखाऊंगा कि अगर हम पुट साइड में जाएं, तो फ्रेंड्स इस बेसिस पे आपको अपने स्ट्राइक प्राइस चूज़ करने होते हैं। कोशिश करना चाहिए कि हम इन द मनी ही स्ट्राइक प्राइस चूज़ करें, क्योंकि अपना जितना इन द मनी होगा उतना अच्छा हमारे लिए सेफ रहता है और उतने प्रॉपर तरीके से हमारे हमने जो प्रीमियम पे किया होता है उसमें इरोजन कम होता है, प्रीमियम इरोजन कम होता है और हमारे को अच्छी खासी जो है मूवमेंट देखने को मिल जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको पुट साइड पे लेके जाऊँगा। तो अगर हम पुट साइड पे जाएँ तो पुट साइड पे आप देखेंगे कि 21,500 जो है हमारा वो एज ए सपोर्ट एक्ट कर रहा है। 21,500 के ऊपर जो है ये देखिए फ्रेंड्स 4,29,480 का ओपन इंटरेस्ट है, प्लस जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो 2,86,000 का है। तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं 21,500 के ऊपर भी जो है राइटिंग हो रही है। और आपको पता है कि अगर हमारी पुट राइटिंग हो रही है, अगर पुट पे राइटिंग हो रही है, तो उसका मतलब पुट राइटिंग मतलब होता है बुलिश, कि मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो बुलिश है। तो फ्रेंड्स ये चीज़ हमारे को दिखा रही है कि मार्केट जो है वो बुलिश है, प्लस पुट राइटिंग, प्लस यहाँ पे हमारे को जो हमने देखा था कि कॉल अनवाइंडिंग, कॉल में भी हमने देखा कि वहाँ पे जो हो रही थी कॉल की अनवाइंडिंग हो रही थी, अनवाइंडिंग। तो फ्रेंड्स कॉल अनवाइंडिंग और पुट राइटिंग ये दोनों चीज़ें जो है हमारे को मार्केट का अपना दिखा रही है कि बुलिश व्यू है। तो ऐसे में फ्रेंड्स आप लोगों को, जोन से भी मेरे दोस्त ऐसे हैं जो कि थोड़ा बहुत अफोर्ड कर सकते हो, जिनके पास एटलीस्ट 10,000-20,000 तक का कैपिटल है, उनको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप जब मार्केट ओपन हो उस टाइम पे मार्केट के ओपन होते ही देखें कि गैप अप ओपन हुआ है, गैप डाउन ओपन हुआ है, और जो भी इन द मनी स्ट्राइक प्राइस हैं उस करंट प्राइस पे, लेट्स से कि अगर मार्केट 300 या 400 पॉइंट ओपन होता है, जैसे अगर 22,400 पे मार्केट ओपन हो तो आप 22,200 का जो उस टाइम पे जो कॉल होगा आप वो बाय कर सकते हैं, 22,100 का जो कॉल है वो बाय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम अगर बैंक निफ्टी की अपनी स्ट्रेटजी बनाएं हर दिन कि मार्केट जब क्लोज़ हो जाए उसके बाद एक बार हम ऑप्शन चेन देखें और ऑप्शन चेन देख के हम अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालें, तो उससे हमारे को बहुत बेनिफिट मिलता है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ये 21,500 जो है
एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहे हैं ये पूरा 21,500 और 22,500 जो है 22,500 ये अपना सॉरी 22,500 अपना रेजिस्टेंस एज ए रेजिस्टेंस और 21,500 जो है ये हमारा एज ए सपोर्ट सपोर्ट काम करेगा। तो फ्रेंड्स अब अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होते हैं जो भी होते हैं गैप अप अगर ओपन होते हैं तो वही जो है अपना 22,000 जो हो जाएगा वो अपना सपोर्ट हो जाएगा और इससे ऊपर 23,000 जो है वो हमारा रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपको ऑप्शन चेन की एनालिसिस करनी होती है और आपको ये देखना होता है कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है अपना ओपन इंटरेस्ट है और उस चीज़ को आप अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेके उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो है स्ट्राइक प्राइस चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना है। और जो थोड़े से रिस्की प्लेयर हैं या कोई ऐसा है जिसके पास कि कैपिटल का इशू है तो वो मेरा फ्रेंड जो है 22,300 जो एटलीस्ट 100 से 20 पॉइंट्स की रेंज में हो। जैसे अगर अभी 22,000 के अप्रोक्स मार्केट चल रहा है तो आप 22,200 या 22,300 ये वाला कॉल बाय करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स पर ये चीज़ जो होती है ये रिस्की होती है, ये रिस्की ट्रेड्स होती हैं जिसमें कि आप आउट ऑफ द मनी जाते हैं। रिस्की आउट ऑफ द मनी जो होते हैं ये रिस्की होते हैं ये मैं फिर से कहूँगा, तो क्योंकि प्रीमियम इरोजन होता है और राइटिंग होनी शुरू हो जाती है तो आप लॉस में हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपको इस चीज़ का ध्यान देना होता है। ये मैंने आपको बताया कि ऑप्शन चेन से किस तरीके से आपको अपनी स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करना है या आपको नेक्स्ट डे की अपनी ट्रेड की कन्फर्मेशन करनी है। तो फ्रेंड्स ये जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ आपको स्ट्राइक सिलेक्ट करने की और ऑप्शन बाइंग करने की, फ्रेंड्स इसमें आपको हमेशा ही प्रॉफिट होगा अगर आप बस ये ध्यान देंगे कि आपने स्ट्राइक प्राइस कौन सा चूज़ किया और आपको स्ट्राइक प्राइस जो है मार्केट के ओपनिंग के अकॉर्डिंग ही चेंज करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपने आइडिया ले लिया कि आपको आपका सपोर्ट क्या है और आपका रेजिस्टेंस क्या है, प्लस जो मैंने आपको ये चीज़ बताई कि आपको ध्यान जो देना है इन द मनी जो ऑप्शन है फ्रेंड्स इन द मनी ये जो होते हैं ये इन द मनी है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है फ्रेंड्स ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन इन द मनी है इन द मनी। तो फ्रेंड्स आप लोगों को इन द मनी जो है ऑप्शंस वो बाय करनी है, बट अगर कोई ऐसा है जिसके पास कैपिटल का इशू है और बिल्कुल ही कम कैपिटल है 5,000-7,000-8,000 ऐसा कैपिटल है तो फ्रेंड्स वो आउट ऑफ द मनी ले सकता है, बट आउट ऑफ द मनी जो होते हैं रिस्की होते हैं तो आप उसमें भी कोशिश करें कि जो एट द मनी के पास का स्ट्राइक प्राइस है उसको ही चूज़ करें। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं चार्ट्स को कि चार्ट्स को देख के भी हम सो फ्रेंड्स चाहे मार्केट गैप अप ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो मैंने आप लोगों को बता दिया कि स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज़ करना है। अब बात यह आती है कि चार्ट को देख के आपको अपनी पोजीशन कैसे लेनी है। फ्रेंड्स मान लो कि मार्केट ओपन होता है गैप अप, तो ये मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ 17th of July का। तो फ्रेंड्स जैसे अगर गैप अप ओपन हो रहा है तो आपको थोड़ा सा वेट करना है और जैसे ही कैंडल्स बनती हैं और उसके बाद वो अगर वी वैप पे रिट्रेसमेंट लेके अप मूव लेती है तो फ्रेंड्स वैसे में आप अपनी जो पोजीशन है वो आप अपनी पोजीशन ले सकते हैं, उसके अंदर अपनी आप बुलिश व्यू देखते हुए अपनी पोजीशन ले सकते हैं। ऐसे में आपको ध्यान ये देना है कि एक तो अपना जो कैंडल्स हैं कैंडल ने रिट्रेसमेंट लेके अप मूव लिया हो वी वैप के ऊपर हो, दूसरी चीज़ आपको ये भी देखना है कि जो ये प्रीवियस डे का वी वैप है फ्रेंड्स प्रीवियस डे का वी वैप जो होता है ये वाला फ्रेंड्स इसके ऊपर ही अपना मूवमेंट चल रही हो, ये जो मूवमेंट अपनी चल रही हो प्रीवियस डे वी वैप प्लस जो ये करंट डे वी वैप, अगर इससे ऊपर अगर अपनी कैंडल्स फॉर्म कर रही हैं और कॉन्टीन्यूसली अगर हमारे को अप मूव मिल रहा है तो फ्रेंड्स आपको ये लेके चलना है कि जो आपको अपना व्यू जो रखना है वो बुलिश रखना है और उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी पोजीशन लेनी है। तो फ्रेंड्स ये मैंने जस्ट यहाँ का एग्जांपल लिया और आप ये देख सकते हैं फ्रेंड्स किस तरीके से अगर ट्रेंडिंग मूव चल रहा होता है, जैसे यहाँ पे तो इस नॉन ट्रेंडिंग मूव था ठीक है, तो यहाँ पे नॉन ट्रेंडिंग मूव था तो मार्केट इसमें एक रेंज के अंदर चल रही थी तो ये एक डिफरेंट कंडीशन है, बट जब आप यहाँ पे देखेंगे जब यहाँ पे ये ट्रेंड में आने लगा तो फ्रेंड्स मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि मंडे के दिन गैप अप ओपनिंग होगा और एक अच्छी खासी हमारे को ट्रेंड मूवमेंट मिलेगी। तो फ्रेंड्स जब ट्रेंडिंग डे हो उस टाइम पे आपको वी वैप से ऊपर जब आप रिट्रेसमेंट के बाद पोजीशन लेते हैं तो देखो फ्रेंड्स इस तरीके से कैंडल्स की फॉर्मेशन होती है फ्रेंड्स जिस टाइम पे ट्रेंडिंग डे होता है।
तो आप देख सकते हैं कि जैसे रिट्रेसमेंट हुई उसके बाद से प्रॉपर एक अप मूव हमारे को मिल रहा होता है, और आपको हमेशा इस अप मूव को फॉलो करते हुए इस ट्रेंड को फॉलो करना और अपनी पोजीशन को बनाए रखना है। तो फ्रेंड्स ये जो है ये मैंने 8 EMA इस पे मैंने अपना चार्ट पे सेटिंग की हुई है 8 EMA की, तो प्रॉपर एक रिट्रेसमेंट हो रही है 8 EMA के बाद और अपना प्रॉपर यहाँ पर ट्रेंड मूव कर रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आप ये स्ट्रेटजी के साथ ट्रेडिंग करते हैं जिसमें कि आप ये देखते हैं कि ऑप्शन चेन की एनालिसिस आप करते हैं कि ऑप्शन चेन हमारे को क्या बताना चाह रहा है, और ऑप्शन चेन पे जैसे कि हमने देखा था कि 22,500 जो था एज ए रेजिस्टेंस हमने चेक किया था, तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो ऑप्शन चेन है, ऑप्शन चेन में जो है 21, एक तो इसका जो सपोर्ट बन रहा है अपना 21,500 के ऊपर, ये मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, हम 15 या 30 मिनट्स का चार्ट ले लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक 21,500 के ऊपर जो है प्रॉपर एक सपोर्ट बन रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कैंडल्स कितनी बारी कैंडल्स को रिजेक्शन मिली है इस पॉइंट्स पे अगर आप देखेंगे तो। ये देखिए फ्रेंड्स मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ये देखिए इस वाले रेंज के ऊपर कितनी बारी कैंडल्स को रिजेक्शन मिला और कैंडल्स बार बार इसके ऊपर उठना चाह रही थी, और जब उसके बाद से हमारे को ट्रेंडिंग मूव आया तो बहुत अच्छा ट्रेंडिंग मूव हमारे को देखने को मिला। तो फ्रेंड्स 21,500 जो है वो हमारा एज ए सपोर्ट एक्ट करेगा, प्लस जो अप मूव के लिए जो अगर हम देखें तो 22,500 पहला रेजिस्टेंस, और उसके बाद से जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा बन रहा है वो देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स 22,500, ये मैंने आर्ली चार्ट ओपन किया है। और देखो फ्रेंड्स ऑप्शन चेन भी यही हमारे को बता रहा था, ऑप्शन चेन में भी जब हम देख रहे थे तो हमारे को यही चीज़ शो हो रही थी, और यहाँ पे चार्ट के ऊपर भी सेम चीज़ हमारे को दिख रही है, 22,500 जो है उसके ऊपर हमारे को रेजिस्टेंस शो हो रहा है और 21,500 जो है हमारे को एज ए सपोर्ट शो हो रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपको अपना ट्रेडिंग करना होता है। और बाकी जो फ्रेंड्स मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और इंडिकेटर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो वो मेरे चैनल पर जाके जो मेरे प्रीवियस वीडियोस हैं ऑप्शन स्कैल्पिंग की या ज़ीरोधा इंडिकेटर को लेके वो देख सकते हैं, तो उनको पता चलेगा कि इन इंडिकेटर्स का यूज़ कैसे होता है, किस तरीके से इंडिकेटर्स वर्क करते हैं और इनका फंक्शनिंग क्या होता है। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को ये स्ट्रेटजी मेरी समझ आ गई होगी। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ, अगर आप इस तरीके से ऑप्शन चेन को कंबाइन करते हुए अपना बैंक निफ्टी चार्ट को देखते हुए और फिर अगर आप अपना स्ट्राइक प्राइस चूज़ करते, क्योंकि फ्रेंड्स आपको थोड़ा बहुत डायनेमिक होना पड़ेगा क्योंकि नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप ओपनिंग हो रही है, गैप डाउन ओपनिंग हो रही है, वो चीज़ हमारे को कंफर्म नहीं होता, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारे को जो है अपना ऑप्शन चेन को देखते हुए एनालिसिस करते हुए सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना होता है, और उसके अकॉर्डिंग ही हमारे को अपनी स्ट्राइक प्राइस जो है सिलेक्ट करनी होती है कि हम कौन सी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करें। बट फ्रेंड्स सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होता है वो ये हमारे को देखनी होती है कि हमारी स्ट्राइक प्राइस जो रहे एज ए ऑप्शन बायर, हमारी स्ट्राइक प्राइस जो होनी चाहिए इन द मनी स्ट्राइक प्राइस हम चूज़ करें। बट अगर किसी पास कैपिटल का इशू है तो वो आउट ऑफ द मनी चूज़ कर सकता है, बट कोशिश करें कि जो है जैसे यहाँ पे 22,080 पे अगर गैप अप ओपन हो गया, 22,300-400 पे ओपन होता है, तो आप कोशिश करो 22,700 की जो आउट ऑफ द मनी हो वैसी स्ट्राइक प्राइस को आप चूज़ करो। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरी एनालिसिस और ये मेरी स्ट्रेटजी अच्छी लगी देन प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और आप मेरे चैनल को लाइक करें और ये मेरा जो चैनल है इस पे जाके आप प्रीवियस मेरी वीडियोस को देख सकते हैं स्कैल्पिंग की वीडियोस को, और उन वीडियोस को देख के आप और भी जो मेरा लोअर टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग का तरीका होता है वो देख के आप सीख सकते हैं, और डेली लेवल पे आप मेरी तरह अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करके और उससे फिर आप इन्वेस्टमेंट में भी लगा सकते हैं। सो अभी के लिए फ्रेंड्स बाय बाय एंड थैंक यू।